वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। इन चैप्टर नंबर 3 एडवांस फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्ट डेटा। इट मीन्स आप डेटा को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। जनरली डेटा इम्पोर्ट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप जो आपका MS पावर पॉइंट है उसके अंदर अदर कोई भी फाइल है वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? MS PowerPoint provide insert object feature to import data। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? insert object feature मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो या तो आपको मिलेगा insert या फिर सॉरी या तो आपको मिलेगा insert object या फिर मिलेगा आपको object। एंड टू इम्पोर्ट क्लिक ऑन insert, सेलेक्ट द insert object। अगर आपको insert करना है तो आप insert पे जाएं और देन आप insert object पे जाएं या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा object। इट मीन्स सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएं और फिर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। चूज क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन, फिर आप क्या करें, क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन का जो चूज करें, देन ब्राउज द फाइल, फाइल को ब्राउज करें और देन क्लिक ऑन ओके। तो देखिए कैसे करते हैं इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट कि मेरे को यहाँ पे स्लाइड के अंदर है, मेरे को कोई भी अदर कोई भी डेटा है वो इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। द ऑब्जेक्ट ऑप्शन इज यूज टू इम्पोर्ट एनी अदर फाइल इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अदर फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन नाउ इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन। क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ब्राउज, सेलेक्ट द फाइल। लाइक मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई भी एक फाइल है, मैं ले लेता हूँ उसको, ये फाइल है, और देन क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डेटा है वो आपको दिख रहा है। देखिए ये विजिबिलिटी अपने पास नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ इसका, तो ये आपको शो हो जाएगा कि क्या आपका डेटा यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। तो देखिए ये आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ था, ठीक है, जो अपन ने डेटा इंसर्ट किया है। तो ये अदर कोई फाइल थी एक्सेल की, उससे डेटा इंसर्ट हुआ है। तो ये अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे BBVN जो है उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे उससे का जो भी डेटा है उसके अंदर BBVN के अंदर वो आपको यहाँ पे मिला था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, लाइक क्लिक ऑन इंसर्ट, then select object, in the insert object dialog box select create from file, browse the file। यहाँ पे कोई भी फाइल है वो ब्राउज कर सकते हो आप। लाइक देखिए मेरे पास ये बुक वन है, मैंने राइट क्लिक किया, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं आपको ओपन करके बता सकता हूँ कि क्या है। देखिए ये एक फाइल है जिसके अंदर सीट वन है और इसके अंदर ये कुछ डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये कुछ डेटा आपको मिल रहा है। अब ये डेटा अपन को क्या करना है, ये फाइल का डेटा है वो अपन को MS PowerPoint में डालना है। तो कैसे डालेंगे, अपन सेलेक्ट किया और देन क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वो डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एनिमेशन। एन एनिमेशन इफेक्ट इज ए स्पेशल विजुअल और साउंड इफेक्ट एडेड टू ए टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड और चार्ट। किसी भी स्लाइड, किसी भी चार्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे कोई इमेज हो सकती है, कोई आपका ड्राइंग हो सकती है, कोई सेप्स हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि स्लाइड के ऊपर या चार्ट के ऊपर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट करें और उसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, कोई स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। There are four types of animation effect। यहाँ पे four types का animation effect है जिसके अंदर entrance आता है, emphasis आता है, exit है और एक motion path है। अब इसके अंदर इन जो four category है इसके अंदर अलग अलग आपको जो animations मिलेंगे। तो
तो देखिए क्या है कि कैसे अपन अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन मिलता कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर अपन को इंसर्ट सॉरी एनिमेशन का टैब मिलेगा, ठीक है, एनिमेशन का टैब मिलेगा और यहाँ पर ऐड एनिमेशन का ऑप्शन है। ऐड एनिमेशन के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक तो एंट्रेंस कैटेगरी है जो आपको दिख रही होगी, एक आपको एम्फासिस कैटेगरी है वो मिल रही होगी, एक आपको मिलेगी एग्जिट और एक आपको मिलेगी मोशन पाथ, जिनके अंदर अलग अलग क्या है आपके इफेक्ट दे रखे हैं। तो कोई भी इफेक्ट है आप यूज कर सकते हो। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक ये पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, एक प्लॉटर है, एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फोर टाइप्स के एनिमेशन आपको मिलेंगे, इंट्रेंस, एम्फासिस, एग्जिट और आपका मोशन पाथ। अब अपन आगे बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो टू अप्लाई एनिमेशन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देन एनिमेशन टैब पर क्लिक करें, क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन एंड सेलेक्ट द एनिमेशन। आप ऐड एनिमेशन में जाएं और देन आप एनिमेशन को सेलेक्ट करें। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने पिक्चर लिया मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन क्लिक ऑन एनिमेशन और देन अपन को क्या करना है, ऐड एनिमेशन पर क्लिक करना है। ऐड एनिमेशन पर जाते हैं, उसके बाद में कोई भी कैटेगरी का कोई भी आप एनिमेशन है वो यूज कर सकते हैं। लाइक मैं ये यूज कर लेता हूँ रैंडम बार्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रैंडम बार है। कुछ बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर भी कुछ जो आपके एनिमेशन मिल जाएंगे, या तो आप ऐड एनिमेशन पर जाके कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे भी ये ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग एनिमेशंस हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपका दे रखा है वो दे रखा है चेंजिंग द टाइमिंग एंड ऑर्डर ऑफ एनिमेशन। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एनिमेशंस हो, लाइक मैंने एक एनिमेशन इस पर यूज किया है, अगेन मैं दोबारा एक एनिमेशन और यूज कर लेता हूँ, तो मैंने अगेन यहाँ पर कर दिया लाइक फ्लाई, ठीक है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन है वो एनिमेशन अप्लाई है। अब अगर आप इसको रीऑर्डर करना चाहते हैं या इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन टैब के ऊपर यहाँ पे आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टाइमिंग ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, टाइमिंग ग्रुप मिल रहा है। इस टाइमिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर अपन को क्या करना है, देखिए अब ये ऑन क्लिक स्टार्ट होता है विथ प्रीवियस, पिछले वाले जो एनिमेशन उसके साथ, देन आफ्टर प्रीवियस, है ना। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो दे रखी है कि हाफ सेकेंड है या फिर वन सेकेंड है, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिले कितना करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइमिंग ग्रुप से आप क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। रीऑर्डर करना तो रीऑर्डर भी कर सकते हैं अपन यहाँ से। मूव अर्लियर करोगे तो पहले दूसरा चल जाएगा, मूव लेटर करोगे तो। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो एनिमेशन का। नेक्स्ट इज, तो देखिए कहाँ पे कैसे बता रखा है, क्लिक ऑन एनिमेशन टैब देन सेलेक्ट डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप से आप क्या करें, अपना डिजायर्ड ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी एनिमेशन। कोई भी एनिमेशन हो उसको अपन कॉपी कैसे करें, देन क्लिक ऑन एनिमेशन टैब एंड क्लिक ऑन एनिमेशन पेंटर फ्रॉम एडवांस एनिमेशन ग्रुप। देखिए एनिमेशन पेंटर भी आता है जिससे आप एनिमेशन को कॉपी करते हो, और ये कहाँ मिलेगा आपको, एडवांस एनिमेशन ग्रुप में मिलेगा। कौन से टैब में मिलेगा, एनिमेशन टैब में मिलेगा। तो एनिमेशन टैब के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे एनिमेशन, एक मिनट, हाँ जी, एनिमेशन पेंटर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो माउस है, जो माउस पॉइंटर है वो किस में चेंज हो रहा है, आपके एक जो ब्रश के अंदर चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये कॉपी हो चुका है, किसी के ऊपर भी अप्लाई करना हो तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया, जो दो एनिमेशन किसके ऊपर अप्लाई थे, इसके ऊपर अप्लाई थे, और वो दोनों किसके ऊपर भी आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से तो क्या करना, कॉपी करना एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करके, ठीक है, और इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं अपन। अब ये शेप किस में चेंज है, आपकी ब्रश के अंदर, देन किसी भी स्लाइड पे जाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करें, देन ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके,
तो ये कुछ बात अपन ने की एनिमेशंस के बारे में। थैंक यू।